Assalamu alaikum. In the previous lecture, we translated first two paragraphs of the second unit from English textbook class 10. Today, we are going to translate the remaining paragraphs of the lesson. Third paragraph hai decorating the house. Ghar ki sajawat ya ghar ko sajana. Another popular custom, एक और मशहूर पॉपुलर मशहूर मकबूल आम हर दिल अजीज कस्टम रिवाज एक और मशहूर रिवाज इज़ टू हैंग अप लटकाना आवेज़ा करना हैंग अप लटकाना या आवेज़ा करना आवेज़ा करना का मतलब होता है सामने ऐसे लगा देना लटका देना Another popular custom, एक और मशहूर रिवाज is to hang up signs, अलामात and posters, इश्तिहारात on doors, दरवाज़ों पर and windows, और खिड़कियों पर एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामात और इश्तिहारात लटकाना है या आवेज़ा करना है आवेज़ा करना है एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामात और इश्तिहारात का आवेज़ा करना है या लटकाना है विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम जिन के ऊपर ऑन देम जिन के ऊपर चीनी लव्स फू रिटन लिखा हुआ होता है जिनके ऊपर चीनी लव्स फू लिखा होता है विच मीन्स जिसका मतलब है लक खुशबख्ती खुशकिस्मती या सिर्फ किस्मत भी कह सकते हैं विच मीन्स जिसका मतलब है खुशबख्ती एंड हैप्पीनेस और खुशी बाइंग फ्लावर्स फूल ख़रीदना फॉर द होम घर के लिए इज़ ऑल्सो कॉमन प्लेस मामूल रिवाज आम मामूल है घर के लिए फूल ख़रीदना भी मामूल है सिंस क्योंकि दे सिम्बलाइज ये अलामत हैं कौन अलामत है फूल किसकी द कमिंग ऑफ स्प्रिंग बहार की आमद की एन अ न्यू बिगिनिंग और नए आगाज़ की क्योंकि ये बहार की आमद और नए आगाज़ की अलामत हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है न्यू ईयर्स ईव डिनर नए साल का इशाया न्यू ईयर्स नए साल का ईव का मतलब मौका भी होता है ईव का मतलब इवनिंग भी होता है यानी शाम और डिनर कहते हैं रात का खाना या इसे बोलते हैं इशाया लंच कहते हैं इसी तरह से लंच कहते हैं दोपहर का खाना या जोहराना जोहर के वक्त होते हैं तो इसलिए जोहराना रात का खाना रात के वक्त होते हैं तो इसलिए इशा के वक्त होते हैं तो इसलिए उसे कहते हैं इशाया तो इसलिए डिनर ईव डिनर का मतलब होता है शाम का खाना या डिनर वैसे खाली डिनर कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि रात का खाना तो आप इसका मतलब दो तरह से कर सकते हैं न्यू ईयर्स ईव डिनर का मतलब आप ये भी कह सकते हैं नए साल के मौके पर इशाया
या जो बेहतर है वो ये आप कर सकते हैं, नए साल का इशाया। मौका छोड़ दें, ईव का मतलब शाम का हो जाएगा, वो तो शाम को जो खाना होता है वो इशाया ही होता है, या रात का खाना कह सकते हैं, नए साल का रात का खाना या नए साल का इशाया। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नए साल के मौके पर, ईव का मतलब मौके पर भी लिख सकते हैं या शाम को भी कह सकते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नए साल की शाम, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, ये एक आम रिवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के पास जाना, ये भी लिख सकते हैं, या फिर रिश्तेदारों से मिलने जाना। चीनी नए साल की शाम, ये रिवाज है, या चीनी नए साल की शाम, रिश्तेदारों से मिलने जाना एक आम रिवाज है। एंड पार्टेक और शरीक होना इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े इशाइये में। तो फिर हम यहाँ से शुरू से करेंगे, चीनियों के नए साल की शाम को रिश्तेदारों से मिलने जाना और एक बड़े शाये में शरीक होना या शिरकत करना एक आम रिवाज है। वेयर, जहाँ, अ नंबर ऑफ कॉल होता है बेशुमार या बहुत से, कई, स्पेसिफिक, खास या मखसूस, फूड्स, खाने या पकवान आर सर्व, पेश किए जाते हैं। जहाँ, लातदाद, बेशुमार, बहुत से, अ नंबर ऑफ, बहुत से, लातदाद, बेशुमार, कई, स्पेसिफिक फूड्स, मखसूस खाने आर सर्व, पेश किए जाते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नए साल की शाम, ईव का मतलब होता है शाम, या ऑन द ईव ऑफ का मतलब मौका पर भी होता है, तो दोनों में से कोई आप कर सकते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नए साल के मौका पर, या चीनी नए साल की शाम, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, ये एक आम रिवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने जाना या रिश्तेदारों के पास जाना, विजिट का मतलब मिलने जाना या पास जाना। एंड पार्टेक और शरीक होना या शिरकत करना, इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े इशाइये में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहाँ पर बेशुमार, अ नंबर ऑफ, बेशुमार, लातादाद, बहुत से, कई, ठीक है, स्पेसिफिक फूड्स, खास पकवान या खास खाने आर सर्व, पेश किए जाते हैं। तो चीनी नए साल की शाम, रिश्तेदारों से मिलने जाना और एक बड़े इशाइये में शिरकत करना एक आम रिवाज है। जहाँ कई, खास किस्म के खाने या पकवान पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल, इसका भी मतलब है, कस्टमरी का जो मतलब था, इट इज़ टिपिकल, ये रिवाज है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी घराने का, चीनी खानदान का, फैमिली, घराना, खानदान, कुंबा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक चीनी खानदान या चीनी घराने का, इट इज़ टिपिकल, मामूल है, चीनी घराने का ये मामूल है, टू मेक 8 to 9 dishes, 8 से 9 खाने या पकवान बनाना या पकाना या तैयार करना। चीनी कुंबे का 8 से 9 खाने पकाना या खाने बनाना एक आम रिवाज है। फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर,
नए साल के ईशाइये के लिए या नए साल के रात के खाने के लिए? डिनर का बोलते हैं रात का खाना या ईशाइया, क्योंकि ईशा के वक्त होता है इसलिए ईशाइया बोला जाता है। इसी तरह से जोहराना, जोहर के वक्त होता है खाना, जो जोहर को खाना दिया जाता है उसे बोलते हैं जोहराना। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी जबान में द वर्ड एट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लव्ज आर्ट का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड नाइन मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लव्ज नाव का मतलब है उम्र दराजी, या लॉन्ग लास्टिंग का एक और मतलब होता है ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला, इसे उम्र दराजी भी लिख सकते हैं या ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला। ठीक है, नए साल के ईशाई के लिए 8 से 9 खाने बनाना एक चीनी खानदान का रिवाज है। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी जुबान में द वर्ड एट मीन्स लव्स आर्ट का मतलब है प्रॉस्पेरिटी खुशहाल, लव्स आर्ट का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड नाइन मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लव्स नौ का मतलब है उम्र दराजी, या आप इसे लिख सकते हैं ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। नेक्स्ट है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफे देना या खुशबख्ती के तोहफे देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रिवायती मामूल है फॉर एडल्ट्स, बड़ों का ये एक रिवायती मामूल है टू गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देना लिटिल रेड एनवलॉप्स, छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे। छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे बच्चों को देना, ठीक है, तो बच्चों को छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे देना बड़ों का एक रिवायती मामूल है, फिल्ड विद मनी, पैसों से भरे हुए। फिर देखें, बच्चों को पैसों से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे देना बड़ों का रिवायती मामूल है, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, अलामत के लिए या अलामत के तौर पर, इन ऑर्डर टू कौलत के लिए, ताकि भी होता है तो हम उर्दू में जो मुनासिब रहेगा हम इसका मतलब करेंगे। इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, अलामत के तौर पर वेल्थ दौलत, एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। तो आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बच्चों को पैसों से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे देना बड़ों का रिवायती मामूल है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन, ये भी एक मामूल है, ये भी एक आम सी बात है, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, ये वर्ब है, जब वर्ब हो तो उसे प्रेजेंट बोलते हैं, और अगर ये एडजेक्टिव या नाउन हो तो उसे प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट होता है अगर ये नाउन है, तो ये जो है ना, ये वर्ड, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, और ये वर्ब भी है। जब हम इसे प्रेजेंट बोलेंगे तो ये वर्ब होगा, जब हम इसे प्रेजेंट बोलेंगे तो ये या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर, जब इसका मतलब हाजिर होगा तो ये एडजेक्टिव होगा, जब इसका मतलब होगा तोहफा तो फिर ये नाउन होगा। तो यहाँ पर टू, इससे पहले टू आ रहा है तो ये बता रहा है कि वर्ब से पहले टू लगता है, तो ये वर्ब है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉमन, ये बात भी आम है, ये बात भी मामूल के मुताबिक है, ठीक है, ये बात भी आम है, फॉर एल्डर्स,
बड़ों के लिए टू प्रेजेंट कि वो देते हैं, पेश करते हैं, रेड पैकेट्स, सुर्ख रंग के पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद को ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट देना या पैकेट पेश करना भी एक आम रिवाज है। बड़ों का ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट पेश करना भी एक आम रिवाज है। एनवलोप्स, ये एनवलप नहीं है, एनवलोप्स होता है। एनवलोप्स आर नॉट टू बी ओपन्ड, लिफाफे नहीं खोले जाते अनटिल, जब तक। अब लिफाफे नहीं खोले जाते जब तक, हम इसको थोड़ा सा तब्दील करेंगे, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते अनटिल, जब तक द रिसिपियंट, रिसिपियंट का मतलब होता है वसूल करने वाला, वसूल कुनिंदा जिसे मिलता है, जब तक कि वसूल कुनिंदा हैज़ लेफ्ट द होम, घर से ना चला जाए, ऑफ द गिवर देने वाले के, जब तक कि वसूल कुनिंदा देने वाले के घर से चला ना जाए। लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कुनिंदा देने वाले के घर से ना चला। अगर वसूल कुनिंदा आप नहीं लिख सकते तो आप ये कर सकते हैं, जब तक लेने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों को इज्जत बख्शना। ऑनर का बोलते हैं इज्जत, या इज्जत देना, या इज्जत वर्ब होगी तो इज्जत देना होगा, यहाँ पर वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, और अगर नाउन के तौर पर यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा इज्जत। एवरी ईयर, हर साल, इज़ एसोसिएटेड, मंसूब होता है, वाबस्ता होता है, मुंसलिक होता है, हर साल मुंसलिक है, मंसूब है, विद वन ऑफ द, जुड़ा हुआ है, ठीक है, वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, मंसूब है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड, हर साल वाबस्ता होता है, एसोसिएटेड मुंसलिक होता है, वाबस्ता होता है, जुड़ा हुआ होता है, मंसूब होता है, ठीक है, मतलब हर साल को जोड़ देते हैं किसके साथ, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से किसी एक के साथ जोड़ देते हैं हर साल को, ठीक है। उन्होंने कुछ 12 जानवर उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं, तो वो क्या देते हैं, ये वाला जो साल है वो इस जानवर से वाबस्ता है। हर साल 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मंसूब किया जाता है। ऑफ द चाइनीज ज़ोडियक, ज़ोडियक का मतलब होता है मुंतकितुल बुरूज, मुंतकितुल बुरूज, मुंतकितुल बुरूज क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, फलकियात से रिलेटेड चीज़ है, तो वहाँ पर जो लाइंस होती हैं वो 12 लाइंस होती हैं, तो उन उसी तरह से ये 12 यहाँ पर इन्होंने एनिमल्स उनको उनके साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हर साल जो है ना उनका जो चीनी मुंताके तुल बुरूज, ज़ोडियक क्या है, मुन ताके तुल। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड, हर साल मंसूब किया जाता है, हर साल मंसूब होता है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडियक, चीनी मुंताके तुल बुरूज के 12 में से
किसी एक जानवर के साथ। हर साल चीनी मुंतकतुल बुरूज के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मंसूब किया जाता है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड दीज एनिमल्स, ये जानवर आर ऑफन रिप्रेजेंटेड पेश करते हैं, पेश किए जाते हैं या नुमाइश की जाती है। इन जानवरों की अक्सर नुमाइश की जाती है या पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशंस सजावट में, आराइशो जेबाइश में। इन जानवरों को अक्सर आराइशो जेबाइश में पेश किया जाता है, यानी इनकी ना सजावट की जाती है, इनको जगह जगह पर ये लोग इनको इनकी डेकोरेशन करते हैं इन जानवरों की। सम पीपल बिलीव कुछ लोगों का यकीन है दैट दोज के वो लोग बॉर्न जो पैदा होते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल एक ख़ास जानवर के साल में मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स, तो उसमें किरदार की खसूसियात हो सकती हैं ऑफ दैट एनिमल उस जानवर की, तो उसमें उस जानवर के किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। मसलन वो हर साल को ना कह देते हैं ये साल जो है ये सपोज़ ये एक शेर का साल है, उससे वाबस्ता कर देते हैं। एक एक साल सपोज़ वो किसी और जानवर के साथ वाबस्ता कर देते हैं, तो फिर उन लोगों का ख्याल है कि अगर सपोज़ वो जो साल है उसे उन्होंने शेर के साथ मुंसलिक किया है, वाबस्ता किया है या मनसूब किया है, तो फिर कहेंगे कि जो इंसान उस साल पैदा होंगे उनमें शेरों वाली खसूसियात पाई जाएंगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, दोबारा देखें। सम पीपल बिलीव कुछ लोगों का ख्याल है या कुछ लोग यकीन करते हैं या कुछ लोगों का यकीन है दैट दोज के वो लोग बॉर्न जो पैदा होते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल एक ख़ास जानवर के साल में। कुछ लोगों का यकीन है या कुछ लोगों को यकीन है कि वो लोग जो एक ख़ास जानवर के साल में या साल के दौरान पैदा होते हैं मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उनमें उस जानवर के किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। लास्ट पैराग्राफ है, चाइनीज न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी नया साल वो वक्त होता है, ऐसा वक्त होता है या वो वक्त होता है या एक ऐसा वक्त है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान या घराना या कुंबा इकट्ठा होता है, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर, ताकि गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करे फॉर द ईयर उस साल का शुक्रिया अदा करें दैट हैज़ पास जो गुज़र चुका है। चीनियों का नया साल वो वक्त होता है या ऐसा वक्त होता है जब ख़ानदान या जब घराना गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा होता है एंड री इन विग्रेट, इस ये क्या लफ्ज़ है, री इन्विग्रेट ताज़ा दम करना, री इन्विग्रेट देमसेल्स और अपने आप को ताज़ा दम करता है फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। एंड री इन्विग्रेट क्या वर्ड है, री इन्विग्रेट बोलिए, री इन्विग्रेट और ताज़ा दम करता है देमसेल्स अपने आप को फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। दोबारा देखें, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया साल वो वक्त होता है या ऐसा वक्त होता है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान इकट्ठा होता है, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, या फिर उस
साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, दैट हैज़ पास, जो गुजर चुका होता है, एंड री इन्विग्रेट देमसेल्स, और अपने आप को ताज़ा दम करते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त होता है जब सारा कुंबा या ख़ानदान के अफराद, द फैमिली, वो हम ये भी लिख सकते हैं, ख़ानदान भी लिख सकते हैं, कुंबा भी लिख सकते हैं, घराना भी लिख सकते हैं, या ख़ानदान के अफराद भी लिख सकते हैं, शुड कम टुगेदर, इकट्ठे होते हैं इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर, उस साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, दैट हैज़ पास्ट, जो गुजर चुका होता है, एंड री इन्विग्रेट देमसेल्स, और अपने आप को ताज़ा दम करते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी आपने अच्छी तरह से ट्रांसलेशन देखनी है और इसे लिखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।